आज 10 तारीख है, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में आने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज है 10 जनवरी और आज है हमारी लाडली बहना, मतलब कि लाडली बहना दिवस। आज के दिन लाडली बहना दिवस माना जाता है, ये सभी नेताओं का मानना है और आपने भी सुना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाडली बहनों के लिए बम्पर ऑफर रहता है। पहले मैं बता दूँ आपको कि जो स्टार्टिंग में लाडली बहना की टोटल किस्त कितनी आ चुकी है, तो आपको जानकारी दे दूँ कि 7 किस्त तो आ चुकी है, लेकिन 7वीं किस्त जो आई थी वो 1250 रुपये की आई थी। ये स्टार्टिंग कब हुई थी, जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये स्टार्टिंग 1000 रुपये से बढ़कर हुई थी। फिर ये जैसे 4 किस्त आई हैं, 5वीं किस्त में सरकार ने 1250 रुपये कर दिया था। तो ये रक्षाबंधन आया था, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर खुशी में मामा जी ने बहनों को राखी बांधने के लिए 250 रुपये अलग से डाले थे और बाकी 1000 अलग से डाला गए थे। उसके बाद जैसे अगस्त सितंबर के बाद जैसे अक्टूबर आया था, तो अक्टूबर में सीधा सीधा 1250 रुपये राशि भेज दी गई थी। लेकिन अब उसके चलते और से जैसे कि नया साल आ चुका है और नए साल के साथ साथ अब आप सभी पता होगा कि हमारे शिवराज मामा जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी जगह आगे मनमोहन यादव। तो जैसे नया साल, नए नेता, नया बम्पर ऑफर, लाडली बहना योजना को मानना था कि ये बंद हो जाएगी, तो बंद नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो लाडली बहना का योजना है वो न्यूज़ के माध्यम से नेताओं का कहना है कि 1500 रुपये आ सकती है। तो देखते हैं कि आखिर कितनी आती है। तो लाडली बहना को मुझे लगता है कि 1500 रुपये ही आएगी और 1500 रुपये अदरवाइज नहीं आते तो नेक्स्ट महीने तक ज़रूर आएगी। नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।